आज बहुत दिनों के बाद मैं आचार्य देव आपका स्वागत करता हूँ, और जहाँ मेरी पुरानी तपोस्थली रही थी मैं उसी स्थान पर आया हुआ हूँ। और आज सौभाग्य से यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी है, तो काफ़ी बच्चे लोगों को आप देख रहे हैं। और ये है कुटिया बना हुआ है, ऊपर एक मंदिर नुमा। ये 99-2000 के आसपास का इसका निर्माण है। और उसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं अंदर, मंदिर है हनुमान जी का। ये मंदिर है जो आप देख रहे हैं, और ये हनुमान जी की मूर्ति, दीपक जल रहा है और एक भक्त यहाँ बैठे ध्यान लगा रहे हैं इसी कुटिया के अंदर। वीरपाल जी जरा टॉर्च दिखाना इसमें। इसी में एक गुफा है बनी हुई, ये गुफा है, ये देखिए इसी के अंदर है। ये 10 फीट गहरा है, और ये जो है इसमें ऑक्सीजन पाइप लगाया गया था ताकि अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड हो वो ऊपर निकलता रहे। ये पूरा जो है वो है, और ये सब लोग यहाँ के भक्त हैं। लेकिन अंधेरा सा दिन में भी अंधेरा है मंदिर के अंदर, और उसके अंदर में ये है गुफा। तो ये बहुत बचपन की एक तपोस्थली रही थी, छोटा सा है बना हुआ, केवल और केवल ये उसके लिए है। इसके बाद में फिर हम चलते हैं। ये सब जगह जो है कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। ये एक छोटी सी धर्मशाला है बैठने वालों के लिए, जिसके अंदर में भी आप देख सकते हैं। ये सब ये डीजे वगैरह सब भर दिया है यहाँ पर, और ये छोटा सा एक बैठक नुमा एक जगह है जिससे कि गांव के आसपास के लोग इसमें बैठ सकें। बॉक्स है, बॉक्स। इसके साथ ही सब लोग बैठे हुए हैं, सब ताप रहे हैं। ये बच्चे हैं और सब लोग ताप रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम शुरुआत होने वाली है। कोई यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम है। और ये केले के वृक्ष हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं सब। तो यहाँ पे सब लोग हैं, ये पूरा ये कार्यक्रम चल रहा है। तो लेकिन स्पेशली यही वो स्थान है जहाँ पर जो है साधना हुआ था, और ये वो बराबर में एक बैठक नुमा जगह है जिसके अंदर सामान भरा हुआ है, और जहाँ पे लोग बैठते उठते हैं धूप में छाँव में। ये एकदम से खेतों में बनी हुई जगह है, जंगल जैसा ही है। पाकिस्तान कैसे आ जाएंगे यार।